है, एक ऑफर है रिंग हैविंग ए कट सच एज नॉट टू फ्रॉम ए कंप्लीट लूप इन हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग द एक्सेलेरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट इज एक्सेलेरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट हमें बताना है. तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जी आ जाएगा. बिकॉज क्योंकि ये क्या है, अगर ये क्या होता, क्लोज लूप होता, तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है वो क्या आती है, नीचे की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और इसमें लेंस लू हमें पता है वो क्या लगता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. पर लेंस लू क्या कहता है, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता, घटता है तो घटने नहीं दूंगा. यानी कि वो क्या रखता है, कॉन्स्टेंट रखता है. तो हमारे पास जो लेंस फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा. यानी कि बी एल हमारे पास क्या लगेगा, जो लेंस लॉ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो क्या आएगी, ऊपर की तरफ आएगी. यानी कि इंड्यूस ईएमएफ, लेंस लॉ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इन ए सच ए वे दैट डिक्रीज द इंक्रीजिंग फ्लक्स एंड इंक्रीज द डिक्रीजिंग फ्लक्स. यानी कि ओवरऑल ये कॉन्स्टेंट रखता है. तो इसमें अगर ये क्लोज होता तो इस वजह से हमारे पास इसमें जो ए आता वो क्या आता, लेस देन जी आ जाता. अगर ये क्या होता, क्लोज लूप होता, क्लोज लूप अगर होता तो हमारे पास क्या आता, ए लेस देन जी आ जाता. क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा था, पर लेंस लॉ इसको इंक्रीज नहीं होने देता, तो ये क्या लगता, ऊपर की तरफ. तो हमारे पास क्या हो जाता, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगा, एफ एम, और नीचे की तरफ क्या लगता, एम जी. तो हमारे पास जो ए होता वो हमारे पास क्या, जो एफ नेट हमारे पास क्या आ जाता, एम जी माइनस एफ एम. तो हमारे पास जो ए आ जाता वो क्या हो जाता, लेस देन जी आता. ए हमारे पास क्या आता, ए हमारे पास आता लेस देन जी, तब जब क्या होता, क्लोज लूप होता. पर ओपन लूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन लूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंस लॉ फोर्स लगेगा ही नहीं, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ए इक्वल टू जी. क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लेंस जो लो है ये लगता ही नहीं, क्योंकि ये क्या लगता है, क्लोज लूप में लगता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे जी की तरफ आता और इसमें से जो कट पोर्शन है इसमें से क्या निकलता, बाहर निकल जाता. यानी कि इक्वल टू क्या रहता, जी ही रहता. तो इसमें क्या होता, फ्लक्स ही जनरेट नहीं होता. तो इसमें क्या होता, फ्लक्स नॉट जनरेट, फ्लक्स जनरेट नहीं होता इसमें, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ओवर नीचे की तरफ रहती है, क्योंकि फ्लक्स ही जनरेट नहीं होता. तो इस वजह से जो ए हमारे पास क्या आ जाता, इक्वल टू जी आता. तो ये ए जो जो बार मैग्नेट है ये क्या होती है, जी से ही क्या हो जाती, बाहर निकल जाती, क्योंकि इसको कट कर दिया गया है तो इसमें फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा. तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जी आ जाएगा. तो ऊपर वायर अगर ये इसमें तो कट कर दिया गया है तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जी, क्योंकि फ्लक्स इसमें जनरेट नहीं हो रहा. तो ये जो बार मैग्नेट है जी से ही क्या आ जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन.